दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर यहाँ इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए अपना समय निकाल कर आए हमारे जागरूक प्रेस के मित्रों साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अनिल कुमार जी संबोधित करेंगे। आज प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से दिल्ली के कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता और वर्षों दिल्ली सरकार में मंत्री रहे आदरणीय श्री मंगतराम सिंगल जी हमारे बीच है, वो भी आपसे प्रेस वार्ता में चर्चा करेंगे। और डॉक्टर नरेश कुमार जी जो हमारे प्रेस के वरिष्ठ स्पोक्समैन हैं और दिल्ली देहात का बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा है, वो भी हमारे बीच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं आज की इस प्रेस वार्ता की शुरुआत के लिए निवेदन करूंगा अनिल कुमार जी से कि वो शुरू करें ना आपकी इजाजत, प्रेस वार्ता को शुरू करें। अनिल कुमार नमस्कार साथी, धन्यवाद अनिल जी। अति दो बड़े गंभीर विषय हैं जिसको लेकर के आज मैं आपसे बातचीत करूँ। और दिल्ली की जो सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जो दावे करते हैं, उन दावों की विपरीत दिल्ली की आज स्थिति। और जो बात मैं रखने जा रहा हूँ, उन दो बातों से अरविंद पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है कि अरविंद झूठ बोलते हैं। जहां वो झूठे साबित होते हैं, वहीं से दूसरी तरफ एक सच्चाई आपको हम शेयर करेंगे, उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि अरविंद ना केवल गरीब विरोधी हैं बल्कि दलित विरोधी भी। तो पहले मैं बात करता हूं अरविंद केजरीवाल साहब आजकल एक बड़े बड़े इश्तेहार दे रहे हैं, दो वर्ष उनकी दृष्टि में, दो वर्ष बल्कि मैं कहता हूं कि 7 वर्ष हो चुके हैं अरविंद को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की गति पे काबिज हुए। और अपने इन 7 वर्ष के अंदर अपना गुणगान करते हैं, बखान करते हैं, बहुत सारे बखान हैं उन पे सभी चीजों पे, तो मैं आज बात ना करते, लेकिन जो सबसे बड़ा बखान कर रहे हैं कि मैंने फ्लाईओवर बनाने में दिल्ली की जनता का पैसा बचाया, ऐसा वो कहते हैं और दावा करते हैं। दावा करते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने फ्लाईओवर बनाए हैं। मैं 2 RTI हैं जो आपके सामने रखूंगा साथियों। एक तो ये वो RTI है जो हमारे साथी तेजपाल जी हैं जिन्होंने जवाब मांगा, और इस RTI के माध्यम से जिन फ्लाईओवर पर वो दावे कर रहे हैं कि हमने ये फ्लाईओवर बनाए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ इस RTI के दावे के अनुसार भरसवा फ्लाईओवर, मंगोलपुरी फ्लाईओवर, मुकुंदपुर, बुरारी फ्लाईओवर, जगतपुर फ्लाईओवर, ये अरविंद के कार्यालय का जवाब है। ये कोई प्राइवेट व्यक्ति का जवाब नहीं, ये अरविंद केजरीवाल का जवाब है। संभावित मुख्यमंत्री है, वहां से जानकारी आई है, तभी हम अरविंद बोल रहे हैं। और ये सरकारी डॉक्यूमेंट, ये झूठा नहीं हो सकता, अरविंद झूठ बोलता है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जिन फ्लाईओवर्स को वो अपना बता रहे हैं, ये कांग्रेस के समय के प्रोजेक्ट्स हैं। माननीय मंत्री जी मंगतराम सिंह साहब यहां बैठे हैं, और बड़ी ईमानदारी से ये मैं कहना चाह रहा हूं कि तो जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये कांग्रेस की शिलाजी की सरकार, उस सरकार की मुख्यमंत्री शिलाजी की सोच और विजन था कि दिल्ली शहर जब आगे बढ़ रहा है तो दिल्ली के लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए, स्मूथ ट्रैफिक चलाने के लिए फ्लाईओवर की जरूरत है, और सोच पे शिलाजी ने काम किया। अरविंद केजरीवाल दो दावे करते हैं कि फ्लाईओवर हमने बनाए तो उसका सच मैंने दिखाया, दूसरा वो झूठ बोलते हैं कि हमने इस पर लागत हमने सेव की। बड़ी चतुराई के साथ अरविंद केजरीवाल जो दावे करते हैं, और आज जो बात मैं बोल रहा हूं, पिछले 7 सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, आज उनके अपने सहयोगी जो इस पार्टी को खड़ा करने वाला उनका सहयोगी था,
वो व्यक्ति आज उन पर केवल आरोप नहीं लगा रहा, उनके रहस्य खोल रहा है और उनके दावे के अनुसार आज भी उसी पार्टी का वो कार्यकर्ता है, फाउंडर मेंबर है, उनका नेता है, ये वो बात बोल रहे हैं। उसको मैं दोहराता हूं, कहना चाहता हूं कि आरोप किस तरह से दिल्ली की जनता को एडवर्टाइजमेंट प्रचार प्रसार में ये सिर्फ कर रहा है कि मैंने पैसे बचाए। साथियों सच्चाई यही कि हम भी एमएलए रहे, मंत्री जी बैठे मेरे साथ, अमित जी रहे, आपकी कैबिनेट का दर्जा ना हो लेकिन आप भी एक मंत्री के दर्जे में काम किया, आपने एमएलए रहे। जब कोई एस्टिमेट बनता है किसी प्रोजेक्ट का, इसका अमाउंट अलग होता है, जब मौके पर प्रोजेक्ट उतरने लगता है, कंप्लीट होने लगता है, तो प्रोजेक्ट होते होते जो लास्ट में जितना काम हुआ है उसकी कीमत या उस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो ठेकेदार को की जाती है। उदाहरण के तौर पर एक प्रोजेक्ट जब तैयार होता है बनाने के लिए, जब सामने रखा जाता है तो उसमें 50 तरह की चीजें व्यवस्थित की जाती है। फ्लाईओवर स्वाभाविक है, ट्रैफिक गुजरने के लिए होता है, लेकिन उसकी खूबसूरती का भी एक विषय है। क्या बागवानी होनी है, पेड़ पौधे लगने, कहां से लूप उतरना है। कहने का तात्पर्य साथी ये है, एक फ्लाईओवर बनते समय और कंप्लीट होते समय जो चीज रह जाती है उनकी पेमेंट नहीं की जाती। बहुत सिंपल सरल साधारण शब्दों में कह रहा हूं, तकनीकी भाषा यूज नहीं कर रहा हूं। एस्टिमेट बनाया गया था 50 चीजों को लेकर के ध्यान में रखें, लेकिन प्रोजेक्ट में जब कंप्लीट हुआ तो उस चीजें घटा दी जाती है। कई बार कॉस्ट कटिंग के लिए ऐसी चीजें होती है। सो उन चीजों की घटी कीमत को दिखाना कि हमने पैसे की बचत कर ली और सीधा सरकार भ्रष्ट थी, करप्ट थी, उसे कुछ आता नहीं था, दिल्ली के बारे में समझ नहीं थी। तो इस मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, जो चतुराई दिखा रहे जनता जान चुकी है, आप पूरी तरह से झूठ बोल के जनता को गुमराह कर रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो एक और आइडिया मैं आपको बता रहा, इसलिए मैंने कहा तथ्यों के साथ में आज आपके सामने बात कर रहा। साथ ही सिग्नेचर ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज पे आज ने बहुत झूठ बोले, शिलाजी को बदनाम किया, कांग्रेस को बदनाम किया। मैं पूछना चाहता हूं सिग्नेचर ब्रिज पर कांग्रेस के समय का जो टेंडर जब अरविंद की सरकार को मिला था, यानी कि जब अरविंद ने टेक ओवर किया था सिग्नेचर ब्रिज बनाने के लिए, उस समय इसकी कीमत थी 1131 करोड़ रुपए, लेकिन ये सिग्नेचर बनते बनते 1518 करोड़ रुपए हो गया। तो ये 300 करोड़ का जो गैप आया है, मैं पूछना चाहता हूं ये पैसा किसने खाया, क्या आप सही हैं? इसका जवाब दें। कांग्रेस के समय जब सत्ता परिवर्तन होता है, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आते हैं, उस समय इसकी टेंडर कॉस्ट थी 1131 करोड़ रुपए। वो अलग बात है कि टेंडर पहले से भी बड़ा होगा, कल प्रश्न पूछेगा बड़ी चतुराई के साथ ही बातें करता है। मैं पहले ही बात दोहरा देता हूं, यारो लगा चुका है शिलाजी के कांग्रेस को, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन पे सिग्नेचर ब्रिज बनाने की बात आई तो 1131 रुपए में, 1131 करोड़ रुपए में यह फ्लाईओवर बनना था। यह 2013 की बात कर रहा हूं, लेकिन यह फ्लाईओवर बनते बनते इसकी जो पेमेंट की गई है 1518 करोड़ रुपए, ये आरटीआई का जवाब है। लगभग 300 करोड़ रुपए का घोटाला मैं कहना चाहता हूं सिग्नेचर ब्रिज में फिर किसके साथ मिलकर किया, कहां 1131 और कहां आपका 1500, लगभग 300 से ज्यादा ही करोड़ है इसका, 400 के आसपास ही करोड़ के आसपास ही पेमेंट है जो ज्यादा बनती है प्रोजेक्ट की कीमत से। तो आपने दोनों चीजों पर रुकते अपना बताए, तय करें, बताए कौन सी बात सही है। आपकी बात माने जो आप आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कांग्रेस के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, शिलाजी के द्वारा किए गए थे। विजनरी महिला जो इस शहर को अपना परिवार मानती थी, उस महिला को बदनाम करने के लिए आपने साजिश रची। आप जिसको अपने फायदे बता रहे हैं वो शिलाजी कांग्रेस की है, माफी मांगे। दूसरा आप कॉस्टिंग को लेकर वाहवाही रुक रहे हैं, दावे कर रहे हैं, तो सीनियर सर्विस पे जवाब दें कि कैसे 350-400 का अंतर कैसे आया, ये आपको बताना होगा। ये मैं कहना चाहता हूं इस समय झूठा मुख्यमंत्री किस तरह से दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इसका मैंने आपके सामने प्रमाण रखा है। साथियों दूसरी मैं बात कहता हूं कि
तरह से अरविंद केजरीवाल गरीब विरोधी और दलित विरोधी, उसके भी मैं प्रमाण आपके सामने रखूंगा। अरविंद केजरीवाल आजकल चुनाव में चार पांच प्रदेशों में तूफानी दौरे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली मॉडल को लगातार दिल्ली की जनता जान रही है, समीक्षा कर रही है, मान रही है कि दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। कल साथियों मैं बवाना गया, बवाना में एक बहुत ही हृदयदायक घटना हुई थी जिसमें चार लोगों की मृत्यु हुई। ये मृत्यु सरकार की लापरवाही, सरकार की कमियां, मैं समझता हूं इसमें सबसे बड़ा कारण ये मृत्यु हुई है। सरकारी प्रोजेक्ट, सरकारी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ये इमारतें उन लोगों के लिए बनी थी जिनका दिल्ली में आशियाना नहीं, जिनके पास घर नहीं, और उन आर्थिक तौर पर पिछड़े गरीब झुग्गियों में रहने वाले लोग, प्रवासी वर्ग, दलित वर्ग, ये उनके मद्देनजर ये कॉलोनियां भी इमारतें तैयार की गई। 2008 में शीला जी और उनके मंत्रिमंडल ने, कांग्रेस ने इस वर्ग के लिए सोचना शुरू किया। शहर आगे बढ़ रहा था, दिल्ली के अंदर लोग डेली प्रतिदिन 5 से 6 हजार लोग अपने आशियाने और अपने काम की उम्मीद से दिल्ली आते जाते रहते हैं। उनके मद्देनजर जब शहर में तमाम लोगों की योजनाओं पर काम चल रहा था, इस शहर को नए नाम मिल रहे थे, फ्लाईओवर सिटी, नए हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली का एयरपोर्ट, जब तमाम चीजों पे काम चल रहा था, कल्याणकारी योजनाओं पे काम चल रहा था, लाडली योजना, राशन, राशन का अधिकार को इंप्लीमेंट करना, आधार को सबसे पहले दिल्ली में पूरी तरह से 100% लागू करते हैं, उस शहर के अंदर गरीबों पे भी फिर काम करने की सोच बनाई, और उसी का नतीजा था एक योजना शिलाजी लेकर के आई, और उस योजना का नाम था राजीव रत्न आवासीय योजना। ये योजना गरीबों के लिए थी, जैसे मैंने बताया, ये योजना को पूरा करने के लिए, इन गरीबों को मकान दिलाने के लिए पैसे की जरूरत। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ऐसे प्रधानमंत्री जिसने देश को पिछले कांग्रेस और यूपीए के समय में देश को ऊंचाइयों पर लेकर गए। पूरा विश्व जहां पर आर्थिक तौर पर पिछड़ा था, देश मंत्री के साथ डटा हुआ उन हालातों में, वहां पर मनमोहन सिंह जी के साथ तालमेल से JNUR के तहत बजट मुहैया कराया गया, स्कीम बनाई गई, स्कीम को लॉन्च किया गया, स्कीम में गरीब लोगों को घर देने का वादा किया गया। उस घर की कीमत, कॉस्टिंग में कहना चाह रहा हूं, 3,34,000 रुपए रखी गई, लेकिन गरीब को यह कहते कि आप पंजीकरण कराइए, आपको मात्र 60,000 रुपए में दिल्ली सरकार घर मुहैया कराएगी। जैसे ही ये स्कीम जारी होती है साथियों, आपको सुन के हैरानी होगी, 2,77,000 गरीब और दलित वर्ग के लोगों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए, लाभ लेने के लिए सरकार ने अपने आप को पंजीकृत कराया। पंजीकरण का शुल्क मात्र 100 रुपए। ऐसे 60,000 परिवारों को दिल्ली में घर देने की बात शीला जी ने कही, और केवल कहीं नहीं, इस पर काम करना शुरू किया। 2010 आते आते दिल्ली के अंदर 10,000 मकान बना के शीला जी ने खड़े कर दिए, कांग्रेस ने खड़े कर दिए, लोगों को दिखाया कि हम घर दे रहे, लोगों में और विश्वास स्थापित हुआ। और बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, 2013 आते आते दिल्ली के अंदर लगभग 46,000 मकान बन के तैयार थे, जो आज भी तैयार है। और राजीव गांधी रत्न आवासीय योजना का शुभारंभ शीला जी के द्वारा हुआ, बुकलेट आज भी 2,70,000 परिवारों के पास इस उम्मीद से रखी हुई है, रसीद उनके पास सेफ है कि हमें हमारा सपनों का घर दिल्ली में मिलेगा। घर तैयार थे, आवेदन तैयार थे,
बस अफसोस 2013 आते आते अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से झूठ बोला, तो झूठ में दिल्ली की जनता गुमराह हुई और अरविंद सत्ता में काबिज हुए। 2013 से आज 2022 हो चुका है, लगभग 7.5 साल हो चुके हैं। अफसोस ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7.5 सालों में इस योजना की हत्या कर दी, इस योजना को मृत कर दिया। और देखिए इस योजना को किस तरह से खत्म करने की कोशिश या लोगों के जहन से नाम मिटाने की कोशिश की गई, जिस योजना का पहले नाम राजीव रत्न आवासीय योजना था, उस योजना का नाम मुख्यमंत्री आवास योजना रखा। शर्मा लीजिए, मैं निंदा करता हूं इस फैसले। राजीव गांधी कांग्रेस के नेता जरूर थे, लेकिन इस देश की बड़ी पहचान थी, आदर्श थे, इस देश को मुकाम पे लाने वाले थे, युवाओं को 18 साल में अधिकार देने वाले थे, जो इसके लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान। उस नाम को मिटाने, उस योजना को खत्म करने के लिए आपने मुख्यमंत्री आवास योजना किया है। नाम तो बदला ही बदला, लेकिन जब अरविंद को लगा कि नाम बदलने से भी कुछ नहीं होगा, हर किसी के पास राजीव जी के नाम की पर्ची है, शीला जी के नाम की पर्ची है हस्ताक्षर वाली, तो अरविंद ने साजिश के तहत इस योजना से अपना हाथ खींच लिया। जेल निवारण के तहत दिल्ली सरकार ने जो मकान बनाए थे, ये अरविंद की जिम्मेवारी थी कि इन गरीब लोगों को, दलित लोगों को समय पर मकान उपलब्ध कराएं। ऐसा ना करके अरविंद अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी और निकल पड़े अपने प्रचार प्रसार में। और आज जो स्थिति है फ्लैटों की, यह है कि ये फ्लैट खंडर हो चुके हैं, ये इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, माफिया ने वहां पूरी उनकी बिल्डिंगों को काट डाला है, खंभों पे तार नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं, सीओ पे ढक्कन नहीं, बिल्डिंगों के मेन जीने लटके पड़े हैं, किसी इमारत पर एक जीना आपको नहीं मिलेगा। आखिर ये कैसे संभव है जिसपे इतनी लागत लगी हो? मैं फिर वो दोहराना चाहता हूं कि अरविंद कैसे झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ फ्लाईओवर के नाम पे दावे कर रहे हैं कि हमने इतने पैसे बचाए, इस राजीव रत्न आवासीय योजना जो कि 3,34,000 रुपए की, मैं इसकी वैल्यू की मान लू तो 2,000 करोड़ से ज्यादा की लागत इन पे लगी, तो 2,000 करोड़ रुपए जो व्यर्थ गए हैं वो किसकी वजह से गए? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल देंगे? एक तरफ बचाने की बात करें तो गवाही किसने? कल मैंने दौरा किया, किसी भी सूरत में उन मकानों को रिपेयर नहीं किया जा सकता, ये मैं इस दावे के साथ कहना चाहता हूं। कितने ही टेक्निकल आप टीम लगा दीजिए, इंजीनियर्स लगा दीजिए, वो इमारत 100% ध्वस्त की करनी ही पड़ेगी, वो सरकार को गिरानी पड़ेगी, वो इमारतें आप नहीं दुरुस्त हो सकती, वो रिपेयर नहीं हो सकती, उनको मेंटेन नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो फाउंडेशन खत्म हो चुकी है, पिलर काट दिए गए, बीम काट दिए गए, जीने काट दिए गए, कोई विंडो नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, तार निकालने की वायरिंग, और ये पूरी तरह से सोची साची साजिश के तहत किया गया है, जिससे कि गरीबों का हक छीन लिया जाए, राजीव गांधी जी का नाम मिटा दिया जाए, और ऐसी ओछी राजनीति करने के लिए अरविंद की निंदा करता हूं। और इस मांग के साथ कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला है, उनका हक छीना है गरीबों पर, 4 मौतें हुई है वहां पर, गरीबों की मौतें हुई, और इन प्रश्नों के साथ जहां 2000 करोड़ रुपए जनता का टैक्स पेयर का पैसा लगा था, टैक्स पेयर को उम्मीद थी कि मेरा जो पैसा किसी गरीब के उत्थान में यूज होगा, मकसद अफसोस क्लियर थी, योजना बनी, अमल में लाई गई, जमीन को उतारी गई, सिर्फ गरीबों को आसियाने की पर्ची देनी थी, उनको सिर्फ उनके पेपर देने थे, उनको घर में बसना था, और माफ करिएगा 750 झुग्गी क्लस्टर है दिल्ली में, यदि 46,000 परिवारों को फ्लैट दे दिए गए होते तो दिल्ली का बहुत सारा हिस्सा जो है मुक्त हो सकता था, और वो गरीब आदमी भी जाकर के वहां अपना घर बना सकता था, रहना शुरू कर देता, जिन खेल के मैदानों में आज कीकर उठ गई,
ना वो जंगल है, ना वो मैदान है, ना वो पार्क है। उन मैदान में जहां बच्चों की किलकारी सुनती खेलने की आवाज आती है, आज वहां सुनसान सन्नाटा नजर आता है। इसके लिए दोषी यदि कोई है तो अरविंद केजरीवाल दोषी है। अरविंद, यदि आपकी हिम्मत है तो गरीब लोगों को, दिल्ली की जनता को जवाब दें कि 7 साल में उनका क्या गुनाह था कि आपने लगभग 2,77,000 तो भाग्यशाली लोग जिनको मकान तुरंत 46,000 दिए जा सकते थे, उनका आपने हक क्यों छीना। सवाल नंबर दो कि आप कहते हैं कि आप पैसे बचाए तो ये 2,000 करोड़ रुपए जो इस पर लगाए गए थे क्या बर्बाद हुए? यदि हुए तो किसकी वजह से हुए? आपने क्यों गार्ड नहीं बैठाए? क्या चौकीदार नहीं बैठाए जा सकते थे? क्या समय पर मेंटेनेंस नहीं की जा सकती थी? हो सकता है आप कहें कि ये विलंब हुआ, योजना का आधार बना के कुछ परिवर्तन आया, लेकिन इमारतों को सुरक्षित रखना आपकी गारंटी थी, इमारतों को बचाना सरकार की गारंटी थी, ये दिल्ली सरकार की, पीडब्ल्यूडी की, DSIDC की, इनकी गारंटी थी। और यदि ये बात लूट ली गई है, सरे निकाल लिए गए हैं, तो इसमें सीधे तौर पर दोषी कौन हुआ? अरविंद केजरीवाल सरकार दोषी है? तो ये 3-4 सवाल है जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से इन योजनाओं को खत्म करने की साजिश की और कांग्रेस पार्टी इस पूरी योजना को लेकर के कोर्ट जाएगी। मैं आज कहना चाहता हूं इसमें ना केवल भ्रष्टाचार बल्कि उसकी नीयत, अरविंद की नीयत, गरीबों का हक छीना गया है। जो परिवार आज भी अपने पेपर संभाल के रखे, कांग्रेस पार्टी से संवाद करेगी, संपर्क करेगी, एक एक परिवार को लेकर के अपना हक मांगने के लिए अरविंद के पास जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अफसोस इस बात का है, माननीय पहलू पर भी अभी मैं बात करूँ अरविंद केजरीवाल से तो शर्म आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल, आप बात बात के धरने देते थे, आज महिलाएं परेशान है, शारदा में एक बच्ची के साथ ना केवल रेप होता है, बाल काट दिए जाते हैं, मारा जाता है, सुरक्षा नहीं मिलती है, वैसे ये 4 परिवार जिनकी मौतें हुई है, एक अभी भी महिला एडमिट है, छोटी बच्ची 9 साल की, उसकी मृत्यु हुई है, ना इनका MLA वहां जाता है, ना उनका काउंसलर वहां जाता है, ना किसी मंत्री का फोन जाता है, ना मुख्यमंत्री का, ना उपमुख्यमंत्री का फोन जाता है कि आपके घर में हादसा हुआ, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है। इस सरकार की नाकामी और गलती की वजह से हादसे हुए और मैं इसके लिए बहुत ही निंदा करता हूँ। अरविंद केजरीवाल की बहुत बहुत धन्यवाद। आज इन दो विषय पर आपने मुझे सुना, आप प्लीज अभी कंटिन्यू है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज नरेला अनाज मंडी में बहुत सारे व्यापारी और मजदूर और किसान वहाँ बैठे हैं धरने पर पिछले 1.5 दिन से। कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज उनसे जाके मिला था और उनकी जो तकलीफें हैं वो APMC की दिल्ली सरकार के अंतर्गत हैं, उसके विषय में मैं दिल्ली के बहुत ही वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे आदरणीय मंगलराम सिंगर जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि उनके पास भी ये डिपार्टमेंट रहा है, कि उस पर भी आपसे जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने आप को किसानों का, व्यापारियों का हितैषी बनाना चाहता है, आज उनकी नरेला मंडी में कोर्ट खुल रही है, क्योंकि जो किसानों के चेक थे वो उन्होंने FCI को किराए पर दे दिए हैं, जो दुकानदारों को चेक बना के जो किसानों का माल आता है उसको बेचने के लिए जो चेक बनाने के उस चेक नहीं बनाए गए हैं, जो व्यापारियों को वहाँ पर उनके दुकानें आरोप करनी थी, जो हमारी कांग्रेस की स्कीम थी, शिला जी की स्कीम थी, आज तक उन्होंने वो ग्रहण नहीं कर पाए हैं। अभी जैसा अपने भाई ने बताया कि वहाँ गए, आज किसान वहाँ धरने पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपना माल कहाँ बेचेंगे, जबकि जो उनका वो था किसानों का हक था वो उन्होंने FCI को देके किराया खाने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया है। मैं आज कहना चाहता हूँ कि केवल नरेला मंडी के पास 131 करोड़ रुपया, 1,31 करोड़ रुपया आज यहाँ पर बैलेंस है, क्यों नहीं उन्होंने शक बना के उन्होंने FCI को दिया, क्यों नहीं उन्होंने कार्यालय बना के दुकानदारों को दिया, आरटीओ को दिया, आज जो अपने आप को ये गारंटी कह रहे हैं कि किसानों के लिए बहुत कुछ करूँगा, मैं दिल्ली में ही कर पाया था, पंजाब में क्या कर पाएगा, जो ये आज बोल रहा है पंजाब में जाके कि मैं दिल्ली मॉडल यहाँ पर कायम करूँगा, दिल्ली के मॉडल की आप जाके
यदि हमारे पे विश्वास नहीं हो तो वहाँ किसानों से मिल सकते हैं, व्यापारियों से मिल सकते हैं और उनसे उनकी बात होके उनका जो दुख दर्द है आप जाके बतवा सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद मंगतराम सिंगल जी का। मैं हमारे पत्रकार मित्रों से ये आपके अगर इस विषय पे कोई सवाल हो तो अध्यक्ष जी उसके लिए जवाब के लिए तैयार है। कृपया अपने सवाल अगर आप रखना चाहें तो कोई सवाल आपकी तरफ से हो तो आमंत्रित है सर। Thank you.